तुमने कल दो कोलिजन कर लिए थे, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। अब लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अब सुनो जरा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या खेल है। लिखो P ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो हमेशा रहा है, ये हर कोलिजन में रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम क्या रहा है, कंजर्व, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, तो P ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरी चीज, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसा है, मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये आता है कि डिफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन रिस्टोरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि रिस्टोरेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी क्या करती थी, बढ़ती थी, और डिफॉर्मेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी घटती थी। हाँ या ना, तो लिखो जरा, लिखो, इट मीन्स रिस्टोरिंग इंपल्स इज जीरो, इट मीन्स रिस्टोरिंग इंपल्स इज जीरो। मतलब जो ग्राफ हमने बनाया था कल उसको अगर हम ध्यान से देखें, ये टी और ये एफ, तो ये ग्राफ ऐसे तो गया लेकिन इसके बाद अचानक क्या हो गया, जीरो। मतलब ये क्या है, डिफॉर्मेशन वाला पार्ट तो है लेकिन रिस्टोरेशन वाला पार्ट नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या कहा मैंने, रिस्टोरिंग इंपल्सेस जीरो। ठीक है, इतनी बात, यानी कि बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं हुई बॉडी। ठीक है, इतनी बात। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज लिखो, के बी सी ग्रेटर देन के ए सी, यही होगा कि नहीं होगा, के बी सी ग्रेटर देन के ए सी। ठीक है, इतनी बात। एंड लॉस इज इक्वल टू, लॉस इज इक्वल टू के बी सी माइनस के ए सी। ठीक है, ये कहानी अभी। अब एक और चीज, रिस्टोर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग कोलिजन इंटरैक्टिव फोर्सेस सारी की सारी क्या रही होंगी, नॉन कंजर्वेटिव रही होंगी। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, लिखो, रिस्टोरिंग इंपल्स इज जीरो बिकॉज, रिस्टोरिंग इंपल्स इज जीरो बिकॉज बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन इंटरैक्टिव फोर्सेज आर कंप्लीटली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इंटरैक्टिव फोर्सेज आर कंप्लीटली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर है इतनी बात, कोई इशू है किसी को, कोई इशू नहीं। ठीक, अब देखो भाई, अब हम कोलिजन पढ़ेंगे दो टाइप का। ठीक है, एक हेड ऑन और एक ओब्लिक। ठीक है, हेड ऑन के भी तीन पार्ट्स, कौन सा, इलास्टिक परफेक्टली, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इसी तरीके से ओब्लिक के भी तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो जरा, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, अब जरा देखते हैं, हेड ऑन कोलिजन हम किसको कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। मान लो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। ठीक है, ध्यान सुनना, इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इसका सेंटर ऑफ मास ये है। दोनों बॉडीज का ही बनाना, नहीं जब मैं बोलूं तभी बनाना। ठीक है, अब इनके दोनों के सेंटर ऑफ मास मैंने जोड़ दिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी हमने क्या कही थी, अगर ये बॉडी वन है, ये बॉडी क्या है, वन, और ये बॉडी टू,
तो बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या थी u1 और इसकी वेलोसिटी क्या थी u2, है ना? ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं u1 ऐसे ले लेता हूं और u2 ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अलोंग लाइन जॉइनिंग ये c1 कह दिया पॉइंट और ये c2 है, अलोंग लाइन जॉइनिंग c1 c2 है, कौन बोल रहा है? यस सर, कैसे हो गया जरा देखो, अगर मैं u1 माइनस u2 करूंगा तो ये माइनस u2 ऐसा आएगा और ये रिजल्टेंट इनका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कहीं और ही जा रहा है, हाँ या ना? तो नहीं है ना, तो सिंपल सा खेल ये है कि हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है, देखो हमने जो कोलिजन पढ़ा है तो ये वाला बॉडी इसकी तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, यही बात हो रही है, ठीक है, तो अप्रोच की वेलोसिटी, सागर कह रहा समझ नहीं आ रहा, क्या समझना चाहता है ये बता दे मुझे भाई, जल्दी बता क्या समझना चाहता है, तो कुछ भी लिख दो, बस समझ नहीं आ रहा है, अब देखो भाई मैंने क्या कहा, आप u1 माइनस u2 निकालो, ठीक है, इतनी बात, अगर आप u1 माइनस u2 निकालोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जब आप यहां बैठे हो तो आपको ये वाला पार्टिकल इधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं और बना लेता हूँ, मान लो ये बॉडी वन, ये बॉडी टू, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास सी वन, इसका सेंटर ऑफ मास सी टू, ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये यू वन है और U2 कितना है, जीरो, ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो उसको ये बॉल कैसी चलती दिखाई पड़ेगी, ऐसे जाती हुई दिखाई पड़ेगी, yes. U1 माइनस U2, U1 ही आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो कहीं टक्कर हो गई इसकी, ऐसे कहीं टकराएगा जाकर के, ऐसे टकराएगा तो अपने गर्म बोर्ड खेला होगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा और ये कुछ ऐसे चला जाएगा बाद में टक्कर के बाद, हाँ या ना? कट मारते ना कैरम में, या पूल खेला हो आपने, पूल में डंडे से मारते हैं, इसमें कैरम में हम गोटियों से ही मारते हैं, ठीक है, इनको गोटियां ही मार लिया, अब एक बात बताओ क्या ये हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन का मतलब क्या होता है, हेड ऑन का मतलब होता है अगर मैं इस यू वन को ऐसा करूं तब क्या होगा, टक्कर के बाद ये वाला ऐसे और ये वाला भी ऐसे, हाँ या ना? ठीक है, तो खेल क्या है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि अगर आपकी अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच कौन, जो टक्कर मार रहा होगा उसकी वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, जिस पे टक्कर लगने वाली है, अप्रोच वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब अप्रोच वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई इसके ऊपर टक्कर होनी है, कौन टक्कर मारने वाला, ये है, तो इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अप्रोच वेलोसिटी, ठीक है, इतनी बात, तो अगर अप्रोच वेलोसिटी किसके अलोंग हो, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस ऑफ बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज, तो हम उस टाइप के कोलिजन को क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन, तब कोलिजन उसी लाइन पे रहेगा हमेशा, टक्कर से पहले भी दोनों बॉडीज की वेलोसिटी उसी लाइन पे रहेगी और टक्कर के बाद भी क्या रहेगी, उसी लाइन पे रहेगी, क्लियर है इतनी बात, अरे ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो
हेडिंग क्या डाली हमने, हेड ऑन कोलिजन. लिखो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. लाइन जॉइनिंग अलोंग सेंटर ऑफ मासेस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. मैंने क्या लिखाया, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. ठीक है, ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन. जरा देख लेते हैं, एक मिनट, अभी से थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं. ऐसा कुछ, ठीक है. और U1 is greater than U2 in magnitude. ठीक है, तो क्या होगा, पीछे से आकर के टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, कौन मारेगा, बॉडी वन बॉडी टू को. तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हाँ या ना. ठीक है, अब एक बात बताओ, जरा एक काम करना, जरा खोलिए मोबाइल पे, देखिए ब्लर आ रहा है क्या. अब ये हमारे पास क्या आ गया, अप्रोच वेलोसिटी. अब यहां पर क्या दिख रहा है, यू ऑफ अप्रोच इज पैरेलल टू व्हाट, सी वन सी टू वेक्टर, इन्हीं के अलोंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अलोंग, ऐसा मैं लिख के ऐसे लिखते हैं, is along line C1, C2, हाँ या ना, along line C1, C2. यहाँ पे नेट भी तो कम सही है, वो ठीक है भाई, वीडियो तुम लोग जिसके घर पे नहीं आ रहा है उसके घर का कनेक्शन खराब है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही आ रहा है. ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, टक्कर के बाद भी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अगर क्या हो जाती है, V1 हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, V2, वो भी अलोंग द लाइन ही होगा. ठीक है, तो एक चीज और लिख लो, इन हेड ऑन कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, हमने क्या पढ़ा था, टक्कर के बाद आगे वाला ब्लॉक तेज चलता है, पीछे वाला स्लो हो जाता है. ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन हेड ऑन कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज अलोंग लाइन जॉइनिंग सी वन सी टू. जरा देखो, उसको बना देता हूं, ये क्या था हमारा बीसी. कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद देखो ये कितने चल रहा है, V1 से, और ये कितने से, V2 से,
ठीक है, इतनी बात, ये V1 सॉरी कितने से, V2 से, ठीक है। हेलो, हाँ बोल। पढ़ती थी, जल्दी बोल, मैं क्लास में। ना मैं ट्यूशन नहीं देता यहाँ, वैसे ही जानने के लिए पड़ी है, ठीक है, रुक जा, बाद में कर लूंगा। मतलब मैं ट्यूशन देने के लिए रह गया। अब देखो भाई, अब क्या कहानी, ये टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन ऐसा हो गया, ये हो गया V2 ग्रेटर देन व्हाट, V1। एक बात बताओ, अब क्या होगा, ये दूर जा रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, उसको हमने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी किस रेट से इससे क्या कर रही है, दूर जा रही है, तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज V2 माइनस V1, एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी किसके अलोंग है, अलोंग लाइन जॉइनिंग C1 C, ठीक है भाई, लाइन जॉइनिंग C1 C, क्लियर है, ठीक है, ये हेड ऑन कोलिजन की कंडीशन है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, पहले ओब्लिक कोलिजन की कंडीशन भी देख लें, क्लियर है। इसमें मैंने ड्यूरिंग कोलिजन वाला पार्ट नहीं बनाया अभी डायग्राम में, मैंने क्या बनाया, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन वाला जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे रास्ते में, ठीक है, क्लियर है भाई सबको, क्लियर है, चलो अब लिखो ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, लिखो ओब्लिक कोलिजन, अब ओब्लिक कोलिजन की कहानी क्या, देखो एक मिनट, मान लो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, ये दोनों के सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, अब कि ऐसा है U1, ठीक है, और ये सपोज ऐसा है U2, बिफोर कोलिजन। अब एक बात बताओ, U1 बड़ा है U2 से मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इतनी बात, तो तेजी से आ रहा होगा उसकी तरफ, अब जब ये टक्कर मारेगा तो कट मारेगा या नहीं मारेगा पहले बताऊंगा, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात, तो अब पारस चावला जो नोट करना था मैंने लिखाया भी, मैंने पॉज करके लिखाया ना, ये कह रहा अभी तक नोट नहीं करना था कुछ, तो मत कर नोट, कोई बात नहीं, ये क्या करेंगे यार, अब देखो, अब क्या कहानी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर नॉट अलोंग लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नॉट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2, तो इस केस में कोलिजन कैसा होगा, टक्कर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो टक्कर के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, आप देखो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, मान लो टक्कर के बाद दोनों सेंटर पास छोड़ दें, टक्कर के तुरंत बाद ये ऐसे जा रहा है, मान लो दिस इज V1 एंड दिस इज व्हाट सपोज V2, ठीक है, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक, क्लियर है, तो ये कौन सा कोलिजन हो गया,
ओब्लिक कोलिजन, ठीक है, वो भी आएंगे कैसे जाएंगे वो सारी बातें हम करेंगे। ये हमारे पास दोनों टाइप के कोलिजन होंगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे भाई, पहले हम पढ़ेंगे कौन सा हेड ऑन, फिर हम पढ़ेंगे ओब्लिक, तो पहले हम हेड ऑन ही खत्म करेंगे पूरा ढंग से, ठीक है, इतनी बात करें। हेड ऑन को नोट कर लिया सबने, हो गया भाई। मिटा दूं ये सब, अब देखो कोलिजन पढ़ने से पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी और डिफाइन कर देते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो जरा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये क्या बवाल है इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है, इतनी बात ही बढ़िया चीज है। आप ऐसे देखो कोलिजन को दोबारा से पढ़ते हैं पूरे कोलिजन को, ठीक है, ठीक है भाई। दिस इज बिफोर कोलिजन, हाँ या ना, यू वन ग्रेटर देन यू टू, तो पीछे वाला करके उसको लगेगा, जरूर लगेगा, फिर टक्कर वाला ड्यूरेशन आएगा। शुरू में क्या होगा, पहले पीछे वाला आगे वाले को क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा, तब तक क्या होगा डिफॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा रिस्टोरेशन, ठीक है, तो ध्यान सुनते रहो। ये बिफोर कोलिजन और यहाँ लिख दिया यू वन ग्रेटर देन यू टू। अब आते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ध्यान सुन, ड्यूरिंग कोलिजन में अब बनाओ नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, आराम कर लो, थोड़ा सा दब गया है, खराब सा हुआ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पे v1, इसकी v2, और इस पे लगा होगा आगे की तरफ n d, और इसके पीछे की तरफ क्या लगा होगा एन डी, लगा होगा कि नहीं लगा होगा बेटा, हाँ या ना। एक चीज और, वी वन घट रहा है और वी टू क्या कर रहा है बढ़ रहा है, यही कहानी है कि नहीं, हाँ या ना। ये किस दौरान कहानी चल रही है, डीसी, अभी भी डीसी है, अभी भी इस सिचुएशन में भी वी वन V2 से बड़ा है, तो अभी और दबाएगा कि नहीं दबाएगा, फिर दबाएगा, दबाते दबाते कभी ना कभी किसी मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम, उस मोमेंट पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, तब तक खराबी तो हुआ है, ठीक है। चलो अब
जितना खराब हो रहा था मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब जरा देखो इसकी वेलोसिटी कितनी v, और इसकी भी कितनी v, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। क्या पीछे वाला आगे वाले को धक्का दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, है ना, अब तो धक्का नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो चुका है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और मजेदार बात, यहां से लेके यहां तक क्या लग रहा था, डिफॉर्मिंग इंपल्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? अब इसके बाद क्या होगा, रिस्टोर करेगा, अभी भी ड्यूरिंग कोलिजन ही चल रहा है सारा, ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि ये दब चुकी है कुछ, तो कुछ ना कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस रहे होंगे जो इसको दबने से क्या करेंगे, अपोज करके क्या कर देंगे, खोल देंगे। लेकिन अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तो ऐसा ही रह जाता फाइनल सिचुएशन, क्योंकि रिस्टोर करने की पॉसिबिलिटी उस केस में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बताया हुआ मैंने ऐसा, हाँ या ना, क्योंकि मैं तो पूरा ही पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसकी बात कर ले, वो तो बाद में लिखा दूंगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक में इसके बाद रिस्टोर नहीं करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, वो बाद में लिखा ही देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद रिस्टोरेशन, अब जब रिस्टोरेशन होगा तो देखो जरा अगेन, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी कितनी v1, और इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, n रिस्टोरिंग आगे, और इस पे n रिस्टोरिंग किधर पीछे। अब एक बात बताओ, v1 अगेन डिक्रीजेस एंड v2 अगेन इंक्रीजेस, ठीक है, कभी ना कभी। और यहां पर एक और चीज हो चुकी है अपने आप, क्या हो चुका है, v2 is now greater than v1, हो चुका है कि नहीं हो चुका है अभी, क्योंकि v बराबर आ चुका था, उसके बाद तो बढ़ा ही है v2, और v1 क्या करा है, घटा है। अब थोड़ी देर बाद जब ये रिस्टोर कर गए पूरे के, जब पूरे रिस्टोर कर गए तो जरा देखो क्या कहानी आई हमारे पास, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई फाइनली v1, और इसकी क्या हो गई v2, ठीक है। अपनी बात, दिस इज आफ्टर कोलिजन, और यहां से लेकर के यहां तक में क्या लगा, यहां तक भी वापस जब तक हम यहां नहीं पहुंचे क्या लगा, रिस्टोरिंग इंपल्स, और ये आफ्टर कोलिजन v2 ग्रेटर देन v1 रिस्टोर करके पूरा चला। अब इसी में तीनों कोलिजन है, अगर आप ध्यान से देखो तीनों कोलिजन पड़े हुए, अगर आप ये सिचुएशन इनिशियल लेते हो और ये फाइनल लेते हो आफ्टर कोलिजन वाली, तो ये कौन सा हो गया पता है, इनइलास्टिक कोलिजन, ये वाला बोल रहा हूं, इनइलास्टिक, कुछ लॉस हुआ है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। या ये वाला पकड़ते हो तो भी क्या है, इनइलास्टिक है, अगर आप ये इनिशियल और ये फाइनल लेते हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनिशियल और ये फाइनल लेते हो तो परफेक्टली इलास्टिक है, पूरा रिस्टोर कर गया, हाँ या ना, ठीक है। जरा डायग्राम बना लो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं। देखो एक्चुअल में किताबों में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिराइव नहीं किया हुआ है, वो सिर्फ क्या बता देता, फॉर्मूला बता देता, हम डिराइव कर देंगे बस, इतना सा काम है और कुछ नहीं। अब एक कह रहा ये हो सकता है कि u1 और v1 सेम हो जाएं आफ्टर कोलिजन, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी u1 की क्या करेगी, घटेगी, मैं एक काम कर, मान ले तेरे पास 1000 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, तो 10-10 रुपए करके मुझे देती गई,
तो कभी ना कभी बराबर तो हो ही जाएंगे दोनों के पास पैसे, हाँ या ना। तो वेलोसिटी सेम ऐसी भी, इसकी वेलोसिटी घट रही थी इसकी बढ़ रही थी, तो कभी ना कभी बराबर तो हो ही जाने हैं। हो गया भाई, चलो अब आगे बात करें। हाँ देवांश क्या कहना चाहता है सर? अगर अगर क्या देवांश क्या कहना चाहता है जल्दी बता दोबारा से। देवांश कह रहा अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो तो डिफॉर्मेशन कैसे होगा? दो गाड़ियों की टक्कर करवा देते, डिफॉर्मेशन खूब जम के होता है, ठीक है। और एक काम करना तो जाके दीवार से टक्कर मार दे, अपने आप पता चलेगा कितना डिफॉर्मेशन हुआ। दौड़ना आंख बंद करके और दीवार से बैठ जाना। हो गया भाई, अब भाई कुछ भी हो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हमेशा होता है। आप लोगों को लगता है कि स्टील की बॉल में डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें भी होता है। 100% इलास्टिक कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, सब बकवास बात है। अब हाँ वो इसलिए कि इतने छोटे समय के लिए हुआ, वो फिर रिस्टोर कर गया, मतलब ये ड्यूरिंग कोलिजन देखो ये हो रहा है डिफॉर्मेशन, तो रिस्टोर करके ये सिचुएशन आ गई, तो आपको पता ही नहीं चलता कि रिस्टोर हुआ या नहीं हुआ। अगर परफेक्टली इलास्टिक है पूरा रिस्टोर कर जाता है, दो स्टील की बॉल टकराई और उसके बाद रबर बैंड बेटा सबसे ज्यादा इन इलास्टिक होता है, ठीक है। इतनी बात, स्टील इज मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू व्हाट रबर बैंड। स्टील की बॉल को तो दबाएगी और छोड़ देगी तो बॉल ही मिलेगी, रबर बैंड को दबा के मतलब खींच के छोड़ दो तो सेम रबर बैंड नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टी जो मैटर वाला चैप्टर होगा, कौन इलास्टिक कौन इन इलास्टिक, अभी हमें उससे मतलब नहीं। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनना, लिखो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग इंपल्स टू दैट ऑफ डिफॉर्मिंग इंपल्स, रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग इंपल्स टू दैट ऑफ डिफॉर्मिंग इंपल्स। देखो किताबों में ये सब नहीं है, किताबों में सिंपल सा एक रिजल्ट दे रखा है वो याद करना है, लेकिन मैं आपको डिराइव करा देता हूं। मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज ई इज इक्वल टू कौन सा इंपल्स, रिस्टोरिंग इंपल्स अपॉन डिफॉर्मिंग इंपल्स। मैं पहले आपको रिजल्ट भी बता देता हूं ये क्या आता है, ध्यान सुनना भाई। डिफॉर्मिंग इंपल्स सॉरी रिस्टोरिंग इंपल्स अपॉन डिफॉर्मिंग इंपल्स एंड दिस विल कम आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन, ये रिजल्ट आपको बताया जाता है किताबों में, ठीक है, इतनी बात लेकिन प्रूफ नहीं होता है, हम प्रूफ भी देख लेंगे। अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अब एक बात बताओ मुझे, वेलोसिटी ऑफ, मैं पहले फॉर्मूला बता ही दूं आपको फिर इसको डिराइव करने ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अगर आप डायग्राम को देखो तो अप्रोच वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है, यू वन माइनस यू टू है या नहीं, अरे यू वन माइनस यू टू है, और सेपरेशन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है, वी टू माइनस वी वन, यस और नो, यही है कि नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी अप्रोच इज यू वन माइनस यू टू एंड वी सेपरेशन वी टू माइनस वी वन, हाँ या ना, अगर है तो यस लिख दो भाई, एक बार फटाफट लिख दो भाई, ठीक है। चलो अब जरा देखो, पुट कर देते हैं इसको फॉर्मूले में,
ये फॉर्मूला बनाई है, रिजल्ट लिख लें उसके बाद कर लेंगे डेराइव. दिस इज वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू. दिस इज इक्वल टू व्हाट ई. ई इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है भाई. अब पहले सारी बातें बता दूं इसके बारे में, फिर हम इसको डिराइव करेंगे. ठीक है. ई की वैल्यू किसी भी कोलिजन के लिए 0 से 1 के बीच में होती है. ठीक है. अब जरा देखो, इफ ई इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. क्यों देखो जरा यहीं पर पता चल रहा है. पहले तो फॉर्मूले में देखो रिस्टोरिंग इंपल्स क्या होता है, 0. दूसरी चीज यहां तक डिफॉर्म हुआ, इसके बाद कतई रिस्टोर नहीं हुआ. तो V2 ये रहा और V1 ये रहा, दोनों क्या हैं, बराबर हैं. तो V2 और V1 क्या हो गए, बराबर हो गए. अरे यस ओ नो, इसके बाद तो गए ही नहीं आगे वो. तो V2 और V1 बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, 0. या तो मैं इससे कहता हूं जो मैंने पहले लिखा रहा था, रखा था कि परफेक्टली इनइलास्टिक में रिस्टोरिंग इंपल्स क्या होता है, 0 होता है. और रिस्टोरिंग इंपल्स 0 होता है तो भी E 0, और रिस्टोरिंग इंपल्स 0 होता है तो फाइनल वेलोसिटीज दोनों बॉडीज की क्या हो रही है, सेम हो रही है, क्योंकि रिस्टोर करा ही नहीं, तो V2 और V1 सेम हो गए, तब भी क्या हो गया, 0. ठीक. अब दूसरी चीज बेटा, इफ E बिटवीन 0 एंड 1 तो कैसा कोलिजन, इन इलास्टिक, कुछ लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का. इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है भाई, क्लियर है. जागृत, V1 और U2 बराबर हो सकते हैं, वो बात की बात है, अभी नहीं. ठीक है, वो जब सवाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आगे कि नहीं आगे. अब एक और चीज, इफ E इज इक्वल टू 1 तो कैसा, परफेक्टली इलास्टिक. और भी कोई कोलिजन होता है, या यही 3 होते हैं, और भी होता है, सुपर इलास्टिक कोलिजन भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, जरूरत पड़ी तो बता देंगे, नहीं पड़ी तो नहीं बताएंगे. तो जी क्या करना है. ठीक है, अब तो फालतू बातें क्यों लगा रहा है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन में सुपर इलास्टिक कोलिजन होता है. ठीक है, या हम सेटअप भी बना सकते हैं सुपर इलास्टिक का, आराम से बन जाएगा. स्प्रिंग चाहिए, एक प्लैंक चाहिए, एक बॉल चाहिए, बस इतने से बन जाएगा. तो ये हमारे क्या हो गए, 3 कोलिजन हो गए. ठीक है, इतनी बात. अब जरा देखो, अब मैं इसको डिराइव कर दूं. ठीक है, कर दूं डिराइव. सुपर इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती, क्या करोगे, जो चीज नहीं आनी है तो उसको छोड़ दो. ठीक है, मेरे पास ही रहनी है. अब हम डिराइव करते हैं. हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, E इज इक्वल टू रिस्टोरिंग इंपल्स अपॉन डिफॉर्मिंग इंपल्स, ऐसा लिखा ना हमने. ठीक है, अब जरा एक मिनट ध्यान सुनो. अब जरा देखो यार, यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना. तो बॉडी 1 की बात करें तो डिफॉर्मिंग इंपल्स ये किधर लग रहा है, पीछे, किधर लग रहा है, पीछे. तो पीछे के डायरेक्शन में इंपल्स को नेगेटिव ले लें, और आगे की तरफ जो भी चीज है उसको क्या ले लें, पॉजिटिव. वेक्टर क्वांटिटीज की बात हो रही है. ठीक है, तो अब जरा देखो, तो बॉडी 1 पे जो डिफॉर्मिंग इंपल्स लगा वो बॉडी 1 का चेंज इन मोमेंटम होगा, ये फाइनल मोमेंटम और ये क्या, इनिशियल मोमेंटम. यस और नो. ठीक है, तो जरा देखो, फॉर
बॉडी वन माइनस एन डी इंटू टी, यही हुआ इंपल्स, अरे यार फोर्स इंटू टाइम इंटरवल जब तक के लिए हुआ, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी भी आगे की तरफ थी और इनिशियल भी आगे की तरफ, तो एम वन इंटू वी माइनस एम वन इंटू यू वन, एम वन कॉमन वी माइनस यू वन, दिस इज डिफॉर्मिंग इंपल्स ऑफ बॉडी वन, हाँ या ना? ठीक है, ध्यान सुनते रहना, बढ़िया चीज है। ठीक, अब हम रिस्टोरिंग इंपल्स की बात करें बॉडी वन के, निकम्मो देखो रिस्टोरिंग इंपल्स ये कैसे उठाया अब जरा देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ, रिस्टोरेशन, हाँ या ना? अब रिस्टोरिंग इंपल्स भी बॉडी वन का किधर लग रहा है, पीछे ही लग रहा है, एनआर पीछे ही लग रहा है। ठीक है, इतनी बात, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यस और नो? ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं भाई। अब जरा देखो माइनस एन आर डी टी इज इक्वल टू एम वन वी वन माइनस वी, इक्वेशन टू, यस और नो? अच्छा, अब एक बात बताओ, ई क्या था, दिस अपॉन दिस, अरे ई यही था कि नहीं था? तो ई इज इक्वल टू वी वन माइनस वी अपॉन वी माइनस यू वन, हाँ या ना? एम वन से एम वन कट गया, ठीक है भाई, दिस अपॉन दिस इज व्हाट, क्या कहते हैं हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बाय डेफिनेशन। ठीक है, इतनी बात, तो क्या आ गया, दिस अपॉन दिस आ गया। अब हम बॉडी टू के लिए बात करेंगे, ये सारा ड्रामा बॉडी टू के लिए लिखते हैं, फॉर बॉडी टू पहले मैं डिफॉर्मिंग लिखूं, एन डी अब पॉजिटिव होगा, एन डी इधर लगा था, एन डी इंटू डी टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बॉडी टू की डिफॉर्मेशन के दौरान क्या आई थी, वी आई थी, और इनिशियल क्या थी, यू टू एम टू वी माइनस यू टू, यस और नो? अरे यस और नो? और रिस्टोरेशन के दौरान इनिशियल कौन था, वी, और फाइनल कौन था, वी टू, हाँ या ना? एन आर डी टी इज इक्वल टू एम टू v2 माइनस v, तो e की वैल्यू यहां से भी इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो e की वैल्यू क्या आ रही है, v2 माइनस v अपॉन v माइनस u2, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हाँ या ना? दो इक्वेशन है, एक काम करो किसी एक में से ना v की वैल्यू उठाओ, इसमें से या इसमें से, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर टर्म अदर पैरामीटर्स, और उसको यहां पुट कर दो, अगर इससे उठाई तो यहां पुट कर दो और इससे उठाई तो वहां पुट कर दो, v की वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो यहां से पुट वैल्यू ऑफ v इन किसमें, इसमें डाल दिया, ठीक है इतनी बात, जैसी आप ये वैल्यू डालोगे आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है इतनी बात, जो रिजल्ट हम चाहिए था हमें वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा, देखो करके दिखाऊंगा या ना करके दिखाऊंगा, कर ही लोगे ना यार, तो क्या आ जाएगा, E now comes out to be V2 minus V1 upon U1 minus U, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, चलो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, और हमें ये भी पता चल गया अगर E जीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, V2 और V1 बराबर है, E अगर 1 से छोटा है तो इनइलास्टिक है, और अगर E 1 के बराबर है तो क्या परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है इतनी बात, अब लिखो जरा, लिखो
देखो एक काम और कर सकता हूं, मैं तीनों कोलिजन अलग अलग पढ़ू, उससे अच्छा मैं इन इलास्टिक वाला पढ़ लेता हूँ, उसमें ई की वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो अपने आप क्या आ जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक आ जाएगा। ई की वैल्यू वन डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, अपने परफेक्टली इलास्टिक आ जाएगा। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं क्यों फालतू में तीन तीन पढ़ूं बार बार, है ना, समय बचा लेते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इनलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, बढ़ जाएंगे। इनलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अच्छा एक बात बताओ यार, इसको टक्कर कहते हो क्या? कुछ और छोड़ देते हैं भाई, है ना, अगर मैं ऐसे करके कोई चीज छोड़ दूं दीवार के अलोंग, ऐसे चलो यहां देख लो भाई, अगर मैंने ऐसे अपना हाथ छोड़ दिया, क्या इसको बोर्ड के साथ टक्कर कहेंगे? इसको टक्कर कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसको टक्कर नहीं कहते भाई, ठीक है, इतनी बात। तो ये जो कोलिजन हुआ था, इसमें अगर आप वेलोसिटीज देखो, u1 u2 v2 v1 ये क्या थे, अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस, मतलब नॉर्मल टू द बॉडीज थे कि नहीं थे? नॉर्मल टू क्या थे? बॉडीज। क्योंकि जब हम ओब्लिक पढ़ेंगे तो ये कहानी आने वाली है, तो भी बाद में देख लेंगे तो अपने आप आ जाएगा इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। चलो अब मैं बड़ी बड़ी बॉडीज नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी बनाऊंगा, अपने आप अंडरस्टूड है क्या चल रहा है। ये हमारे पास बॉडी वन है, मास m1 का, इसकी वेलोसिटी u1 और ये इसकी वेलोसिटी u2, ये बॉडी टू है, ठीक है, बिफोर कोलिजन, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें e दे रखा है बेटा, e इज गिवन टू अस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट हमें दे रखा है। अब एक बार देखो, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? अच्छा यहाँ पर u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, ओए u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, ये हो गया। अब टक्कर के बाद ये हो गया v1 और ये भाई हो गया कितना v2 और v2 ग्रेटर देन v1, दिस इज आफ्टर कोलिजन। अब आप एक चीज देखो, हमें एक बात पता है, मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल, पता है या नहीं पता है? इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने u1 u2 v1 v2 सब पॉजिटिव ले रखे हैं, अगर u2 इधर की तरफ होगा तो उसके सामने क्या लगा दोगे? माइनस साइन, क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है, अब जरा देखो फाइनल मोमेंटम, ये दोनों वेलोसिटीज मुझे पता है, ध्यान सुनो, और मुझे क्या पता है? e पता है, मुझे क्या निकालना है? v1 निकालना है, v2 निकालना है, और लॉस बताना है कितना होगा, ठीक है, सारी बात। तो जरा देखो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u1, इक्वेशन वन। अननोन कौन है इसमें? v1 एंड v2, अरे निकम्मो, अननोन यही है ना, v1 और v2। अब अगर मैं एक इक्वेशन और बना दूं v1 और v2 की, तो मैं v1 v2 निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा, और वो एक इक्वेशन कौन सी होगी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होगा? e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो क्या हो गया? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 2 बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगा? v1 मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा? v2 मिल जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है मेरे ख्याल से, डायरेक्ट लिख दूं क्या चीज? हाँ, ई की वैल्यू दे रखी है मैंने, ठीक है, कई बार आपको कुछ और दे देगा, ई निकालना होगा, तो डिपेंड करेगा सवाल पे, ठीक है। अभी मुझे u1 u2 और ई दे रखा है, ठीक है। अब हम v1 लिख लेते हैं, तो लिखते हैं भाई v1, सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है, इतनी बात मैं लिख रहा हूं। अब एक चीज और देखो, जो मैं रिजल्ट लिखूंगा बहुत बड़े बड़े से होंगे, आपको एग्जाम तक याद नहीं रहेंगे, तो आपको करना क्या होगा? पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनाई, सॉल्व करो एग्जाम में, ठीक है, इतनी बात। याद कितना रखोगे? सिर्फ एक केस को याद रख पाओगे, जब क्या कहते हैं
परफेक्टली इलास्टिक हो तो वहां कम से कम याद रख पाओगे, ठीक है इतनी बात, बाकी में तो याद रख ही नहीं पाओगे। तो याद रखने वाली कोशिश मत करना, मोमेंटम कंजर्वेशन रेस्टिट्यूशन इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर लो सीधे, ठीक है। अब जरा देखो v1 आया हमारे पास, मुझे खुद नहीं याद v1 v2 आ गया। अब सब कुछ पता है आपको, आगे v1 v2, ठीक है। हितांशु से निकल रहे बहुत बड़ा रिजल्ट है, तो भाई मैंने पहले ही कहा था ये रिजल्ट याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, कुछ तो लॉस हुआ ही है, ठीक है, भले ही वो मैक्सिमम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तब होता जब ई की वैल्यू क्या होती, जीरो होती, ठीक है। तो लिखो जरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि डेल कौन है, डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब ये नहीं होता, डेल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर, मतलब एक्चुअल में अगर डिक्शनरी में देखोगे तो डेल ऑपरेटर होता है काटना, कट ही रहा है इसका, ठीक है। अब देखो भाई, मतलब छोटा करना है या बेवकूफ बनाना, ठीक है। अब देखो भाई, अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब तो पढ़ा रहा हूं ऊपर से, अब आ जाओ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस जाता किस फॉर्म में, हीट साउंड, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू KI-KF, अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ M1U1² + ½ M2U2² - इनिशियल हो गया, हाफ M1V1² + ½ M2V2² यही है कि नहीं, V1V2 की वैल्यू डाल दें ऊपर से उठा के, डाल दे वैल्यू डालते देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, वैल्यू डाल दी भाई, हाफ M1M2 / M1+M2U1 - U2² ऐसे ही आया था पहले भी, याद है आया था, into 1 - E² ये लॉस आएगा, ठीक है। क्या बता दूं, वैल्यू डाल दे v1 v2 की और देख कितना खड्डे में गिरेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। और क्या कर सकते हैं भाई, वैल्यू डाल के देख लो आप, v1 v2 की ऊपर लिखी हुई है, तो इसीलिए मैंने क्या कहा इसमें आप अगर किसके लिए, हाँ परफेक्टली इलास्टिक ले, देखो ई की वैल्यू 1 डाल दो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा लॉस, और ई की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो मैक्सिमम लॉस आ रहा है, हाँ या ना, तो अपने आप सारे कोलिजन आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। तो आप लिखो जरा, लिख लिया सबने भाई, ऊपर से वी वन वी टू की वैल्यू डाल ले। अब देखो, अब जरा ध्यान दो, अगर हम ध्यान से देखें
तो हो क्या गया हमारे पास, हो गया ये। अब लिखो जरा, एक एक करके लिखते हैं। तो हो गया कौन सा वाला, इन इलास्टिक कोलिजन। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो हो सकता है गौरांगी, कौन से वाले केस में, जब ई की वैल्यू वन डाल दो, मतलब कौन सा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये तो बताया अभी। अगर ई की वैल्यू वन डाल दो लॉस क्या हो गया, जीरो हो गया, और कौन सा कोलिजन हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ गौरांगी सर, बट क्या पता बट में क्या हो गया, बताओ जल्दी क्या है इसका मतलब। बेटा ई की वैल्यू डालते जाओ आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, ई जीरो डालो आपको मैक्सिमम लॉस मिल रहा है, ई की वैल्यू वन डालो आपको नो लॉस मिल रहा है, और ई की वैल्यू बाकी क्या होगी, जीरो और वन के बीच में, तो सारे कोलिजन आ जाएंगे। लिखा रहा हूं चिंता ना करो, पॉसिबल प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली है सारी चीजें, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ओए क्या समस्या है जल्दी बता, दो चीजें टकरा के देख लो, यही हुआ सारा का सारा, ठीक है, कुछ रिजल्ट नहीं बदलेंगे। अब लिखो जरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब आप देखो, अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक लेता हूं, यहीं पर रिजल्ट बना लेते हैं सारे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। परफेक्टली इन इलास्टिक में बस एक चीज होती है, E इज इक्वल टू जीरो, होता है कि नहीं होता है, E की वैल्यू जीरो होती है भाई। E की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एक बात बताओ, V2 is equal to V1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, yes, V2 is equal to, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है, कर देते हैं एक मिनट। हेडिंग डालो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, टक्कर के बाद मैं पहले से रिजल्ट वही लिख रहा हूं, ठीक है, अपने आप अभी आ जाएगा। अगर E जीरो है बेटा तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, तो अपने आप क्या हो गया, V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू व्हाट, V। गौरांगी चेक करना जरा, ये रिजल्ट सही है कि नहीं है गौरांगी, जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला है उसमें ये रिजल्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज और, अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, फाइनल वाला कितना हो गया, एम वन वी प्लस एम टू वी, तो कितना हो गया, एम वन प्लस एम टू इंटू वी इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, यानी कि वी इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आगे कि नहीं आगे रिजल्ट, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। साहिल समझ क्या नहीं आ रहा भाई, मैंने इसका मोमेंटम लिखा इनिशियल वाला, इसका लिखा फाइनल वाला, और दोनों क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, क्लियर है, दिस इज बिफोर कोलिजन दिस इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये रहा और बिफोर कोलिजन ये रहा, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया। अब हम लॉस की बात करें, तो लॉस क्या है, मैक्सिमम है, और उसी में जो पिछला फॉर्मूला था उसी में ई की वैल्यू क्या डाल दें, जीरो डाल दें, अपने आप आ रहा है, लॉस इज नाउ व्हाट, मैक्सिमम, एंड विच इज हाउ मच, हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, हाँ या ना, ई की वैल्यू क्या डाल दी, जीरो, क्लियर है, ये लॉस आ गया मैक्सिमम, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है यार, चलो अब लिखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब साहिल लिख रहा पैसे बर्बाद हो गए, अरे बर्बाद तो था ही, तो कैसे बर्बाद कर दूंगा बेटा, इतना आसान होता ना तो सारे आईआईटी में अंडर 100 रैंक ले आए होते, या मेडिकल में, कुछ ना भगवान की देन भी होनी चाहिए, निकम्मा है। अब देखो भाई, या खुद की देन कर लो, कुछ पढ़ लो। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, E इज इक्वल टू वन, E इज इक्वल टू वन। अब अगर E इज इक्वल टू वन डालते हो, अब जरा मजेदार बात देखो, सीधे ऊपर वाली रिजल्ट को उठा लेंगे ना, देखो बिफोर कोलिजन क्या था हमारे पास,
ये U1 और ये क्या था U2। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये V1 और ये V2 और E की वैल्यू क्या है 1। अब जरा देखो अगर E की वैल्यू 1 डाल दें जो हमने V1 निकाला था उसमें डायरेक्टली, तो V1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर लो भाई। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व का मतलब एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, एक इक्वेशन ये हाँ या ना। दूसरी v2 minus v1 velocity of separation is equal to e times velocity of approach and what is e 1, so kya ho gaya v2 minus v1 is equal to u1 minus u2, this is second equation। agar in dono ko solve karunga to v1 aa jayega aur kya aa jayega v2 aa jayega। solve na karo upar kar rakha aapne, solve kyun kar rahe ho, e ki value 1 dal do usme। are bhai is equation mein yahan jahan humne solve kara hai v1 v2, इसमें E की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डाल दें, डाल दें या ना डाल दें, तो क्या हो गया M1 minus M2 U1 और यहाँ कितना 2 M2 U2 हाँ या ना। तो V1 कितना आ गया जरा देखो, कितना आ गया V1 M1 minus M2 into U1 upon M1 plus M2 सुनो प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 सुनो। यार ये भी नहीं रख पाओगे, बड़ा ये भी छोटा नहीं है हाँ या ना, ठीक है इतनी बात। इसी तरीके से v2, v2 विल बी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब एक और चीज है बेटा, लॉस कितना हुआ इसमें, जीरो हुआ, क्योंकि ई की वैल्यू जब वन डालोगे उस बेसिक फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो लॉस इज व्हाट, यानी कि के इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, के हो गया आसानी से। मैंने तीनों कोलिजन आपको एक ही साथ पढ़ा दिया, ठीक है इतनी बात, कोई इशू है इसमें। अब ये हेड ऑन कोलिजन हो गया, अब हम इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है।